मेरा पहला शो एज अ होस्ट, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत मस्ती होती है, यू कैन हैव सो मच फन एज अ होस्ट. तो मज़ा आ रहा है. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक डांस शो का होस्ट बनूंगा, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने झलक किया था कलर्स पर ही, तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसमें. मैंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर, एंड जो मैं करता था डांस, उससे मैं काफ़ी यू नो बेहतर बना. और मेरी अपनी एक जर्नी रही है डांस को लेकर, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि आई एम होस्टिंग अ डांस शो. एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और सबसे ख़ास बात ये शो होस्ट करने की है कि आई एम इन लव विद माधुरी जी बचपन से, एंड आई एम वर्किंग विथ हर. सो आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन. फैंस को ये कहूँगा, प्लीज़ वॉच डांस दीवाने. मेरा पहला शो है एज अ होस्ट. वी हैव गॉट एन अमेजिंग जजेस का पैनल, शशांक, तुषार, कालिया एंड माधुरी जी. तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस शो को देखें. एंड सबसे ज़्यादा कमाल के जो है वो हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो कम्पीट करेंगे. तीन जनरेशन्स हैं, तो हर कोई ये शो देख सकता है. बच्चे, यंगस्टर्स, हमारे जो बड़े हैं वो भी देख सकते हैं. और इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ टोटल एंटरटेनिंग एंड अ पावर पैक शो. सो देखना ना भूलिए डांस दीवाने. 2 जून से आ रहा है, सैटरडे संडे 9 PM. देख चुके हैं डांस के ऊपर जो आ रहे हैं, बट दिस शो इज़ यूनिक क्योंकि पहली बार आप देखेंगे तीन जनरेशन को डांस करते हुए. और हम बोलते हैं, कहावत है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर. डांस करने की कोई उम्र नहीं होती. वी आर प्रूविंग इट क्योंकि वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू पीपल जिनका जो 4 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, जो 80 साल के हैं. इवन दे कैन कम एंड परफॉर्म. आई मीन जब मैं झलक पे एज अ कोरियोग्राफर था, तो माधुरी मैम ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा है 2 साल. एंड उसके बाद आई स्टेज डायरेक्ट इज इंडियाज़ गॉट टैलेंट. एंड माधुरी मैम के साथ आई हैव डन लॉट ऑफ शोज़ विद हर. मैंने बहुत से शोज़ उनके लिए कोरियोग्राफ किया है, परफॉर्म्ड विद हर एज वेल इन झलक ओनली. बट दिस इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस टू शेयर अ सेम पैनल विद हर. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मैंने 3 दिन शूट किया है उनके साथ. मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे. एंड शी इज़ जस्ट अ जीनियस, शी इज़ लाइक अ लेजेंड. जैसे वो डांस करते हैं, आई डोंट थिंक कोई और डांस कर सकता है. आई थिंक जब कलर्स चैनल मेरे पास आया ये शो का फॉर्मेट लेके, जिसका नाम था डांस दीवाने, जो सबसे अपीलिंग चीज़ मुझे लगी थी वो ये है कि इस शो में एज लिमिट नहीं है. शो का नाम है डांस दीवाने. आप कितने भी उम्र के हो, आप आके इस फॉर्मेट में डांस कर सकते हैं, इस मंच पे डांस कर सकते हैं. तो मुझे ये सबसे यूनिक चीज़ लगी थी इस शो के बारे में. और आई थिंक ऑडियंसिस को भी यही यूनिकनेस लुभाने वाली है कि उम्र की कोई सीमा, जैसे बोलते हैं, वो नहीं है. आपको अगर डांस आपके रग रग में है, आपको डांस करने का मन है, आइए और डांस कीजिए. और जो हमारा ऑडिशंस का दौर रहा है, उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कहानियां देख चुके हैं, जहां पर कुछ लोग थे जो बचपन में डांस नहीं कर पाए, काफ़ी लेडीज़ थी जो जिनकी अर्ली शादी हो गई, जो डांस के दीवाने थे पर उन्हें मौका नहीं मिला. और अब इस शो के कारण उन्हें फिर मौका मिल रहा है, भले ही वो 40 की हों या 50 की हों, आके अपना जलवा दिखाने का.
प्रोमो के लिए। हाँ, तो डांस दीवाने में एक खासियत ये है इसकी कि पहली बार रियलिटी शो में कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हो सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें तीन जनरेशन कम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, यंगस्टर्स, यूथ और एडल्ट्स, और तीनों जनरेशन में हमें बहुत ही बेहतरीन डांसर्स मिले हैं, तो लोग वो देख ही लेंगे अभी। जी हाँ, रेस 3 के प्रमोशन के लिए सलमान खान, अनिल जी और उनका पूरा जो स्टारकास्ट है वो आया था, और बहुत मज़ा की उन्होंने। सलमान जी तो कुछ स्पेशल मूड में थे, तो हर पार्टिसिपेंट के साथ डांस भी कर रहे थे वो, और अनिल जी, और उनमें कंपटीशन फिर छिड़ गई कि कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है। वो खुद को कहते ही हैं बॉडीगार्ड, बोलते मैम हम लोग तो आपके बॉडीगार्ड हैं, हम एक 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 तरफ बैठा हुआ है एक दूसरी तरफ। लेकिन जोक्स अपार्ट, तुषार बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, झलक में भी रह चुके हैं, टॉप 3 में थे हमेशा कोरियोग्राफी में, और अब फिल्म्स भी कर रहे हैं कोरियोग्राफर। और शशांक तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दोनों फिल्म्स उनकी बहुत चली और बहुत अच्छी बनाई थी। वेल वही कहा मैंने जब झलक में वो जज कर कोरियोग्राफर थे और हम जज करते थे, तो उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कोरियोग्राफी है बहुत ही बेहतरीन रहती थी हमेशा। तो वो करेक्ट पर्सन है जो एज अ कोरियोग्राफर एडवाइस दे सके जो आते हैं कंटेस्टेंट्स कोरियोग्राफी के बारे में या उनके टेक्निक के बारे में, तो ही इज़ द राइट पर्सन टू डू दैट। वेल यही कहना चाहूँगी कि डांस दीवाने आप ज़रूर देखना, क्योंकि सैटरडेज और संडेज को 9 बजे आएगा कलर्स पे, तो जब आप डिनर वगैरह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि घर पे भी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगी। दादा दादी कहेंगे नहीं हमारी जनरेशन, बच्चे कहेंगे नहीं हमारी, और पेरेंट्स बोले नहीं हमारी जनरेशन विन करने वाली है। तो बहुत खूब कॉम्पिटिशन सिर्फ टीवी पे नहीं, घर में भी होने वाली है।